हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अंडे की रेसिपी बना जाने चल रहे हैं बेसन में। तो हमने एक कटोरी बेसन लिया है। ये बाउल में हम बेसन को पलट रहे हैं। आधा चम्मच जीरा डाल रहे हैं इसमें। हरी धनिया ऐड कर रहे हैं। दरबरा कुटा हुआ लाल मिर्च आधा चम्मच डाल रहे हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं चम्मच से पहले। ये देखिए मिल गया है। अभी हल्दी थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं, हल्दी भूल गए थे, इसको भी मिला ले रहे हैं। अब इसमें हल्का हल्का पानी हम डालेंगे। इसका घोल तैयार करेंगे तो घोल हमको ज़्यादा पतला ना तो गाढ़ा, मीडियम करना चाहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें हम घोल तैयार कर रहे हैं। ये देखिए घोल हमारा तैयार है। तो देख लीजिए कितना गाढ़ा है, पतला नहीं हम ज़्यादा किए हैं। इस तरीके से घोल बन के तैयार हो गया है। इसको हम ढक देते हैं। ये अंडा है, अंडा बॉयल कर लिए थे तो इसको पानी में रखे थे ठंडा होने के लिए। इसको हम निकाल के रख दे रहे हैं प्लेट में छील के। ये छिल गया है तो इसके धागे से देखिए आराम से काटेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से अंडा कट रहा है। ये देखिए एकदम आराम से बहुत अच्छा कटा है। इस तरह अंडा कट गया है तो इसको हम बेसन में फ्राई करेंगे। ये तेल रखे हम, गरम हो रहा है। ये गरम हो गया, इसको हम चेक कर लिए हैं थोड़ा सा डाल के बेसन। तो इसमें अब अंडा हम फ्राई करने चल रहे हैं। इसको हल्का से और हम फेंट ले रहे हैं ताकि जो भी सेट हो अच्छे तरीके से मिल जाए। ये देखिए अंडा इसमें हम डाल के अच्छे से बेसन लगा देंगे। उसके बाद चम्मच से आराम से निकालेंगे और इस तरह तेल में हम डाल देंगे। तेल हमारा गरम है, देख लीजिए। इस तरीके से सभी अंडा हम डाल दे रहे हैं तेल में। देखिए इसको हम पलट रहे हैं, आराम से पलट दे रहे हैं। एक एक करके पलट दिए हैं। इसको अच्छी तरीके से हम पका ले रहे हैं। ये देखिए बन गया है, फ्राई हो गया। इसको हम प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकाल लिए हैं तो इसी तरीके से हम और बना रहे हैं। ये मिर्चा भी हम इसमें फ्राई कर रहे हैं बेसन में। ये मिर्चा भी हमारा फ्राई हो गया बेसन में। मिर्चे के पकौड़े भी बन गए हैं। अब इसके साथ खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। ये हमारी डिश बन के रेडी हो गई है, अंडा फ्राई बेसन में। आप लोग को अगर मेरा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।